व्हाट्सअप गाइस, ग्लोबल भारत टीवी चैनल से आप लोग की वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है विराट का जानलेवा चौका। भिड़ गए दो खिलाड़ी, 8 छक्कों की बारिश, विराट की पारी देख सूर्य अभी हो गए। मतलब वो सब लोग कल के मैच देख के तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि कल अलग ही लेवल के विराट कोहली। वो नो डाउट हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से, वर्ल्ड कप के टाइम से ही बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन कल जो सेंचुरी के बाद जो गियर बदला है विराट कोहली। मतलब हर मैच के मतलब सुनने आ जाता कि उसने विराट ने सेंचुरी मार दी, 4 मैच में 3 सेंचुरी मार चुके हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन नजर न लगे। विराट का जानलेवा चौका, भिड़ गए दो खिलाड़ी, 8 छक्कों की बारिश, विराट की पारी देख सूर्या भी हो गए आउट। छक्का विराट ने मारा, ताली रोहित ने बजाए। जिस उम्र में खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, विराट उसमें जवानी में लौटे। शुभमन गिल तो सहवाग निकले, रोहित भी फॉर्म में लौटे। भारतीय बल्लेबाजों ने की ऐसी पिटाई, भूल गए गेंदबाजी। भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला हो रहा था, इस एक मैच में वो सब कुछ था जो होना चाहिए था। भारतीय टीम का साफ इशारा है कि हम विश्व कप जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। ऐसी टीम बनी जिसको हराना किसी के बस की बात नहीं। बल्लेबाज आउट हुए पर छक्कों की बारिश नहीं रुकी। इस मैच में 3 ऐसी घटना घटी जो हर मैच में नहीं घटती है। विराट कोहली ने एक ऐसा चौका मारा कि श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को स्ट्रेचर से लेकर जाना पड़ा। श्रीलंका में आर्थिक तंगी हो या फिर मैदान में श्रीलंका के घायल खिलाड़ी, भारत हमेशा साथ देता है। पहले देखिए दिल जीत लेने वाली तस्वीर, फिर आपको दिखाते हैं विराट को ऐसा क्या हो गया है कि वो सूर्या की कुर्सी ही लेना चाहते हैं। शुभमन गिल शतक बनाकर आउट हो गए थे, विराट और श्रेयस अय्यर मैदान पर थे। विराट कोहली 97 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, शतक से 3 रन दूर थे। तभी 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस गेंद पर विराट कोहली ने मिड ऑन की तरफ गेंद को तेजी से खेला। गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में थी, एक तरफ से श्रीलंकन खिलाड़ी वांडर से दौड़ रहे थे, दूसरी तरफ एशन भंडारा दौड़े और दोनों के बीच भयानक टक्कर हो गई। ऐसा लगा गंभीर चोट लगी है, ऐसा हुआ भी। श्रीलंका की टीम के पास सिर्फ 1 डॉक्टर थे जबकि चोटिल खिलाड़ी 2 थे। भारत हमेशा उदारता का परिचय देता है। भारत की टीम के डॉक्टर इलाज के लिए मैदान में उतर गए और फिर दोनों खिलाड़ियों का इलाज हुआ। भारत की तस्वीर दुनिया ने देखी, सबने ताली बजाई और उसी वक्त स्टेडियम में भारतीय दर्शक हाथ जोड़कर दोनों खिलाड़ियों की सलामती की प्रार्थना करने लगे। विराट अपना शतक छोड़ कप्तान के पास जाकर पूछने लगे तबीयत कैसी है। इधर विराट कोहली एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जो क्रिकेट इतिहास में उन्होंने पहले नहीं लिखी थी। इंडिया टीम में फिलहाल सिक्सर किंग सूर्य कुमार यादव है और रोहित शर्मा है, पर कमाल का छक्का मारा विराट कोहली ने। कोहली ने अपनी पारी में कुल 8 छक्के मारे। विराट छक्के मारते हैं लेकिन इतने नहीं, यानी आज मूड एकदम बदला हुआ था। एक वक्त ऐसा आया जब विराट कोहली छक्का मार रहे थे और सूर्य कुमार संघर्ष कर रहे थे। इस मैच में घटना और घटी, विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ 10वां शतक था। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगाए थे। अब विराट के कुल 46 शतक हो गए हैं। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है तो 4 और शतक बनाना होगा। विराट कोहली को T20 से लगभग बाहर कर दिया गया, इसीलिए वो BCCI को जवाब दे रहे हैं। इस उम्र में ऐसी पारी न सचिन खेल पाए थे न रिकी पॉन्टिंग, यानी विराट अब वनडे क्रिकेट में ऑल टाइम बेस्ट बन चुके हैं। 390 रन बनाना भारतीय टीम के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल हो गया है। एक तरफ से विकेट गिरा, दूसरी तरफ से किसी का बल्ला नहीं रुका। ये नया दौर है जब भारतीय बल्लेबाजी कुछ नया करने वाली है। सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, जाहिर है उन्हें अंदर बाहर किया जा रहा है तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन मैच में सबसे अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग छा गई है। रोहित शर्मा ने 42 रनों की पारी में 3 छक्के मारे और 2 चौके लगाए, जबकि गिल ने तो अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल ही जीत लिया। 390 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की हालत खस्ता रही। सिराज ने शुरुआत के 2 ओवर में ही 2 विकेट लेकर कमर तोड़ दी। इधर पांड्या को टीम में न रखने पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। भारत की तरफ से कुल 14 छक्के लगे जबकि 32 चौके ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जान निकाल के रख दी। शुभमन गिल ने सिर्फ 97 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली, लगातार 1 ओवर में 4 चौका भी मारा। गिल ने पहली 12 गेंदों पर 1 रन भी नहीं बनाया था, लेकिन बल्ला जैसे ही बोला शतक के बाद ही खामोश हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। कल का मैच तो ऐसा लग रहा था कि शुरू में कहा कि विकेट बहुत स्लो होने वाली है, रन नहीं बनेंगे इस पे। इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है, चलो चलो देखो अब हम क्या करते हैं। भाई साहब रेल बनाती स्टार्टिंग से। कल मजाक हो रहा था कि मैंने कैसे मिस कर दिया इतना। तो रोहित शर्मा ने क्या बैटिंग करी स्टार्टिंग में, सुमन गिल ने लेकिन फिर को कंटिन्यू करा आगे, और विराट कोहली ने जब पारी की कमान संभाली तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। 46th सेंचुरी आई उनकी, बहुत ही गजब बैटिंग थी। प्लस उन्होंने
एक चीज ये दिखाई कि जब वो चाहे तो उस वाले मोड में बैठ सकते हैं, T20 मोड में। और हाँ। क्या भैया शानदार हेलीकॉप्टर शॉट जिसने देखा भैया, बता जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उसमें वो जवानी जवान होता जा रहा है, एज इज जस्ट नंबर। वो कोई रिटायरमेंट वाली एज है भी नहीं मेरे हिसाब से। सूर्य कुमार को बोला था बार में मतलब ऐसे अंदर बार उससे उसकी फॉर्म वो मुझे नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से फॉर्म वॉर्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी दो महीने की फॉर्म ही फॉर्म है आईपीएल 2020 भाई। सब रोज एक दिन छोड़ के मैच खेल रहे होंगे तो फॉर्म वाली अभी टेंशन नहीं। भाई मैंने ना एक वीडियो देखी थी उसमें फ्लाइट में था ये सूर्य कुमार, तो ऐसे स्टोरी लगा रहा तो ऐसे बोल रहा था उस पर कोहली ने इसके लिए स्टोरी लगाई थी कौन सी उसने ऐसे करके नहीं कह रहा, तो उसमें बोला था ओ भाई देख किसने स्टोरी ऐसे करके बोला था इसने कुछ तो वो चीज़ें। और अब मुझे ये लगता है कि यहाँ से अभी इंडियन क्रिकेट ना उसी से फोकस ज़्यादा भी 50 ओवर क्रिकेट पे, तो उस हिसाब से अभी वो प्लान करके चल रहे हैं। हाँ। और प्लेयरों को थोड़ा सा और टेस्ट करें किस पोजीशन में किसको खिलाना, जैसे केएल राहुल को वो मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, शुभमन गिल को एज एन ओपनर कंसिडर कर रहे हैं, ईशान किशन से नो डाउट उससे पहले कंसिडर कर रहे हैं ओपनिंग पोजीशन के शुभमन, इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं। ऋषभ तो अभी अब तो बहुत मुश्किल है, अभी तो नहीं मना कर दिया उसको। हाँ मतलब जो है ना 18 मंथ्स के लिए बोल दिया, अभी एक और नी सर्जरी है जो होएगी दो या पता नहीं कितने वीक बाद होनी है, तो मिनिमम 18 मंथ्स तो बिल्कुल ही रेस्ट बोल दिया उसको। रेस्ट बोल दिया तो आईपीएल मिस हो जाएगा उसके बाद। अरे आईपीएल तो मिस है, वर्ल्ड कप भी मिस हो जाएगा। बोल रहे कल का मैच, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर नहीं देखा ना मैच तो हाईलाइट देखो भैया, चार चांद रख जाएंगे आपको स्वाद आ जाएगा। बाकी ऐसी और न्यूज रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं ग्लोबल भारत टीवी पे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।